Hello everyone, so here is the all new Jeep compass Longitude 4x4. So मैं जो Longitude अपडेट होकर आया है उसके बारे में आज आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, जिसमें कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, BS6 compliant हुआ है एंड एडिशनल क्या फीचर्स एड ऑन हुए, वो सारी चीज़ें मैं आज डिस्कस करता हूँ इसमें. सो हम बात कर लेते हैं इसके चेंजेस की. एक्सटीरियर एग्जैक्टली सेम रहने वाला है जो पहले Longitude में मिलता था. सेम 17-inch alloy व्हील, हेलोजन हेडलैम्प्स एंड एग्जैक्टली सेम इंटीरियर आपको देखने को मिलेगा. जो बड़े चेंजेस हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं. फर्स्ट जो है आपको Longitude एंड जीप के अभी जितने भी वेरिएंट हैं सभी आपको BS6 कंप्लाइंट मिल जाएंगे. सो यहाँ पे आपको एड ब्लू के लिए ऑप्शन दिया हुआ है. इस तरह ये व्हीकल BS6 कंप्लाइंट मिल जाएगा एंड Longitude 4x2 ऑप्शन के साथ ही आया करता था. अब आपको Longitude 4x4 ऑप्शन के साथ देखने को मिल जाएगा. सो आपको यहाँ पे ये मोड्स देखने को मिल जाते हैं, ऑटो, स्नो, सैंड, मड एंड फोर व्हील ड्राइव. लॉक भी आप इसे कर सकते हैं. जो ट्रांसमिशन था मैनुअल ऑप्शंस के साथ Longitude वेरिएंट आया करता था, अब आपको इसमें 9-speed ऑटो ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा, जो कि सेम ट्रांसमिशन यूज किया है जो जीप कंपस ट्रेल हॉक में आया करता है. एंड ये काफी प्रीमियम अदर ब्रांड्स में भी यूज होता है, जैसे होंडा सियावी, रेंज रोवर इवोक तक में एग्जैक्टली सेम ट्रांसमिशन यूज किया गया है. इसके बाद हम बात करते हैं इसके इन्फोटेनमेंट की. सो इन्फोटेनमेंट सिस्टम जो है Longitude में सिर्फ 5-inch का मिला करता, जिसका स्क्रीन साइज बढ़ा के 7-inch कर दिया गया है. एंड अब ये एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले भी सपोर्ट करता है, जो कि 5-inch में ये फैसिलिटी नहीं थी. इसके अलावा इसमें आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिलेगा, वो भी स्पीड लिमिटर ऑप्शन के साथ दिया हुआ है. सो ये कुछ एड ऑन है इसके फीचर्स. एंड एक और चीज़ जो एड ऑन की गई है वो है इसमें इलेक्ट्रॉनिक ऑन ऑफ का, इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट स्टॉप जिसे बोलते हैं जीप में, वो ऑप्शन दे दिया गया है. सो ये बेसिकली किस तरह काम करता है, जब हम सिग्नल्स पे जब हम गाड़ी रोकते हैं तो अगर हम ब्रेक होल्ड करके रखते हैं कुछ सेकंड्स, तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है इंजन, एंड जैसे ही ब्रेक रिलीज करते हैं वैसे ही वापस से ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है. तो ये फ्यूल कंजप्शन को भी थोड़ा कम करेगा. और जो आप देख रहे हैं इंटीरियर भी इसका ड्यूल टोन कर दिया गया है. पहले कंप्लीट ब्लैक कलर का डैशबोर्ड आ जाया करता था एंड जो डोर पैनल्स हैं एंड जो सीट्स हैं वो बीच कलर में, डार्क ब्राउन कलर जिसे कह सकते हैं, इस कलर में आया करते थे. बट इसे अब जो लिमिटेड वेरिएंट, जो इससे ऊपर वेरिएंट आया करता था उसका इंटीरियर आया था, उस एग्जैक्टली सेम उसी की तरह कर दिया है. सीट्स अभी भी आपको फैब्रिक देखने को मिलेंगी बट ब्लैक सीट्स मिल जाएंगी. इसके बाद हम बात करते हैं, तो इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने को नहीं मिला करता था, सिर्फ सेंसर्स आया करते थे. रिवर्स पार्किंग कैमरा भी एड ऑन कर दिया गया है. एंड इसके अलावा इसमें आपको पार्सल ट्रे देखने को मिल जाती है, जो कि स्पोर्ट एंड Longitude वेरिएंट में नहीं आती थी, Longitude ऑप्शन से स्टार्ट होती थी. सो पार्सल ट्रे भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी. एंड अब हम इसके प्राइस की बात कर लेते हैं. सो Longitude का एक्स शोरूम प्राइस 18,03,000 हुआ करता था, जिसमें आपको कई सारे फीचर्स जो इसमें अभी अवेलेबल हैं वो नहीं मिलते थे. सो इसका एक्स शोरूम प्राइस अब आपको मिलेगा 21,96,000. तो एक तरह से हम देखें तो 3,90,000 के आसपास डिफरेंस आया है, जिसके अंदर आपको जो मैंने अभी फीचर्स बताए वो चीज़ें एड ऑन हो जाती हैं. मैं एक बार और आपको जो इस 3,90,000 एक्स शोरूम के प्राइस में डिफरेंसेस मिलते हैं वो मैं आपको एक बार दोबारा बताना चाहूँगा. फर्स्ट तो BS6 कंप्लाइंट आपको कंपस मिल जाती है, 4x4 टेक्नोलॉजी मिल जाती है, ऑटो ट्रांसमिशन मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक ऑन ऑफ एंड 7-inch टच स्क्रीन एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा, ड्यूल टोन इंटीरियर एंड पार्सल ट्रे. ये कुछ एडॉन्स के साथ अब जो Longitude आपको देखने को मिलेगी. इसी के साथ लिमिटेड प्लस 4x4 जो पहले वेरियंट आया करता था उसमें भी कुछ चेंजेस हुए हैं, वो भी मैं आपको Longitude के बाद दिखा देता हूँ एक बार. सो ये है लिमिटेड प्लस 4x4, जो कि इसे भी BS6 कंप्लाइंट कर दिया गया है. एंड इसमें भी आपको एग्जैक्टली सेम ट्रेल हॉक एंड Longitude वाला ही ट्रांसमिशन मिल जाता है, 9-speed. क्रूज कंट्रोल आ जाता है इसमें भी एड ऑन फीचर्स के में, एंड इलेक्ट्रॉनिक ऑन ऑफ भी एड ऑन हो जाता है. सो लिमिटेड प्लस में अगर हम देखें तो क्या क्या चीज़ें एड ऑन हुई हैं. फर्स्ट तो BS6 कंप्लाइंट हो गई है, 9-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आ जाता है, क्रूज कंट्रोल ऐड हो गया है,
इलेक्ट्रॉनिक ऑन ऑफ ऐड हो गया है, एंड जो इसके एक्शोरूम प्राइजेज में जो डिफरेंस आया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्शोरूम 23,11,000 लिमिटेड प्लस मिल जाया करती थी, जिसका प्राइस अब आपको एक्शोरूम 24,99,000 मिलेगा। सो एक तरह से सिर्फ 1,88,000 रुपए का आपको डिफरेंस मिलेगा एक्शोरूम में, एंड एड ऑन में आपको BS6 कंप्लाइंट लिमिटेड प्लस मिल जाएगी, एंड 9-speed ऑटो ट्रांसमिशन मिल जाएगा, क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक ऑन ऑफ मिल जाएगा। सो ये चेंजेस आए हैं लिमिटेड प्लस 4x4 एंड लॉन्गिट्यूड में। सो अभी और भी जो इसके वेरिएंट्स हैं वो आने वाले हैं BS6 बहुत जल्दी ही, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस आएंगे, एड ऑन क्या क्या होने वाले हैं वो मैं आपको सारी चीजें इन्फॉर्म करूंगा आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।